अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। हमारे पास टोटल 3 प्रॉपर्टीज़ है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो उनमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है लेट एक्स बी आर रेंडम वेरिएबल विद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस बी रिप्रेजेंट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज बी एक्स एन पी। एन पी हमारे पास क्या है? एन पी इज आर पैरामीटर ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देन इट्स मीन एंड वेरियंस आर गिवन बाय म्यू इज इक्वल्स टू एन पी एंड सिग्मा स्क्वेयर इक्वल्स टू एन पी क्यू रिस्पेक्टिवली। हमारे पास क्या है कि अगर x जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उसके जो पैरामीटर्स हैं n एंड p, तो हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस क्या होगा? मीन इक्वल होगा एन पी के, ठीक है, जो उसके पैरामीटर है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और वेरिएंस हमारे पास इक्वल होगा एन पी क्यू, क्यू की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस पी, यानी एन पी 1 माइनस पी। तो हमें पता है स्टूडेंट्स के हमारे पास मीन जो होता है म्यू, एक्चुअली म्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? हमारे पास म्यू जो है मीन, ये इक्वल होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है ना। रैंडम वेरिएबल हमारे पास क्या है? एक्स है। तो मीन जो होता है वो इक्वल होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के। अब ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास इक्वल होता है, चूंकि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है सो हमारे पास समेशन, और यहाँ पे एक्स आएगा। देखिए एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब होता है, एक्सपेक्टेशन का बेसिकली अगर हम इसकी मीनिंग देखें तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन की जो हमने डिफिनीशन हमने की थी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल होता है सम और जो वेरिएबल आपके पास है यहाँ पे, चूंकि एक्स वेरिएबल है सो एक्स और एफ ऑफ एक्स और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज उस वेरिएबल की। ये बेसिकली हमारे पास है डिफिनीशन है एक्सपेक्टेशन की, कि अपने जो एक्सपेक्टेशन को अगर आप ओपन करना चाहो तो आपके पास क्या होता है समिशन, वो वेरिएबल जिस पे एक्सपेक्टेशन हो रहा है वो, और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम हमने ये काम किया है कि हमारे पास क्या समिशन, और समिशन पे हमारे पास यहाँ पे क्या है कि वो वेरिएबल जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है एक्स, सो एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है हमें पता है बाइनोमियल के केस में हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या होता है, तो ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे इस एफ ऑफ एक्स की जगह हम जो है तो इसको पुट कर देते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट, तो ये जो एक्स जो समिशन अप्लाई हो रहा है, ये समिशन देखें हमारे पास ये समिशन हो रहा है एक्स की वैल्यूज, एक्स वैल्यूज ले रहा है 0 बाइनोमियल की जो रेंज है, ठीक है, एक रैंडम वेरिएबल की, के 0, 1, 2 अप टू एन तक। तो यहाँ पे इस समिशन को ओपन कर देते हैं। ओपन कैसे करेंगे तो अब देखें कि फर्स्ट जो हमारे पास है एक्स की जगह, फर्स्ट एक्स की जगह हम पुट करेंगे 0। तो ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इन तमाम प्रोबेबिलिटीज के साथ, जितनी भी वैल्यू जो इन तमाम टर्म के साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू जो है तो अगर 0 हो जाए तो वो प्रोडक्ट से क्या होती है, तो वो किसी भी चीज के साथ आप प्रोडक्ट उसका करें तो वो 0 ही आता है, यानी फर्स्ट टर्म से हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म से हमें मिलेगा 0 प्लस। अब सेकंड अगर आप 1 पुट करें इसकी जगह तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, ठीक है 1, और जो हमारे पास है एन सी एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा एन सी 1, एन चूज 1 आ जाएगा, पी पावर 1 आ जाएगा, क्यू पावर एन माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है क्यू पावर एन माइनस 1। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू अगर हम पुट करें 2, तो ये हो जाएगा 2, ये इस x की जगह हमारे पास आ गया 2। अब यहाँ पे अब पुट करें n c n चूज 2, कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। इसके बाद 3 पुट करें, 4 पुट करें, और करते जाएं अप टू लास्ट वैल्यू दैट इज n, n तक हम जाएंगे, तो यहाँ पे जो x की जगह n पुट करेंगे n आ जाएगा, n c n आ जाएगा, यहाँ पे n c n p पावर n एंड q पावर n माइनस n हो जाएगा, n माइनस n, ठीक है। हमारे पास बाकी क्या बचा,
यहाँ से देखें, हमारे पास अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ से हमारे पास आता है एन सी वन करें तो ये हमारे पास हमें मिलेगा। देखें हम कैसे ओपन करते हैं, कॉम्बिनेशन को हम ओपन कैसे करते हैं। आप देखें, हम फर्स्ट मेरे पास है एन सी वन, तो इसको हमने ओपन कैसे करना है। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होता है एन सी वन, यहाँ पे आपने इनफिक्टोरियल इनफिक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस वन फिक्टोरियल इंटू वन फिक्टोरियल करना है। यहाँ पे वन है ना, तो एन माइनस वन यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो ये दोनों माइनस करें एंड, और जो यहाँ पे एन सी एक्स की जगह जो वैल्यू होगी वो उसका फैक्टोरियल। तो ये कुछ इस तरीके से हम ओपन करते हैं, ठीक है। अब फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं, तो आपको पता होगा कि एन फैक्टोरियल मीन्स एन एन माइनस वन, नीचे एन माइनस वन के साथ कैंसिल करने के लिए मैं जस्ट एन माइनस वन तक एन फैक्टोरियल को ओपन करती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास ये कैंसिल हो जाएगा एन माइनस वन के साथ, और वन फैक्टोरियल तो वन की इक्वल होता है इसलिए उसको हम नहीं लिखते हैं। ये कैंसिल होके यहाँ पे क्या रह गया, एन रह गया, यानी एन सी वन जो है वहां से मुझे रिजल्ट मिल रहा है एन। तो यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, एन लिख लूंगी, ठीक है। पी साथ में पी आ जाएगा और क्यू पावर एन माइनस वन इसी तरीके से आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एन सी टू को सॉल्व करने के लिए आप देखें, एन सी टू को सेम उसी तरीके से अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा एन सी टू इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस टू फैक्टोरियल, एन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, ठीक है। स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो आप देखें एन फैक्टोरियल को हम ओपन करते हैं एन एन माइनस वन फैक्टोरियल, यहां तक ओपन करना है, ठीक है। और इस टू फैक्टोरियल को आप सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें रिजल्ट मिलेगा टू, ठीक है। इस टू को नहीं चेड़ना, इसको रहने दें, और डिवाइडेड बाय एन माइनस टू जो हमारे पास है ये इसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे करना क्या है, स्टूडेंट्स आप गौर से सुने, यहाँ पे जो एन बाय टू है इसको तो आप इसी तरीके से रहने दें, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास एन माइनस वन डिवाइडेड एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस टू फैक्टोरियल है, इसको हमने लिखना है एन माइनस वन सी वन फैक्टोरियल की फॉर्म में, ठीक है। तो हम उस फॉर्म में कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, आप देखें एन माइनस वन फैक्टोरियल तो इसी तरीके से आ जाएगा, लेकिन डिवीजन में ये जो एन माइनस टू है ना, इसको मैंने कैसे लिखना है एन माइनस वन, ये देखिए माइनस टू को हम स्प्लिट कर देते हैं माइनस वन में, माइनस वन को आप सॉल्व करें क्या आता है, माइनस टू आता है ना, तो हमने माइनस वन में, और यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स दैट वन फैक्टोरियल इधर प्रेजेंट है, तो हमने वन फैक्टोरियल लिख लेना है, ठीक है। तो अब आप देखें ये जो है ना, यहाँ से ये देखें माइनस वन फैक्टोरियल, और वही टर्म ऊपर भी मौजूद है एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना, लेकिन इसकी जगह हमारे पास क्या आएगा, इसकी जगह हमारे पास आएगा एन माइनस वन चूज वन फैक्टोरियल, चूज वन एन माइनस वन चूज वन, यहां से मेरे पास ये रिजल्ट आया। अब ये रिजल्ट मैंने इसकी जगह पुट कर देना है, ठीक है। यहां पे आएगा प्लस टू, और साथ में इसकी जगह क्या आएगा एन डिवाइडेड बाय टू, ये टू इस टू के साथ कैंसल हो जाएगा, और इसके साथ अब मजीद हम लिखेंगे एन माइनस वन चूज वन प्लस, इसी तरीके से अगर हम थ्री एक्स की वैल्यू थ्री पुट करें तो वहां से जो रिजल्ट हमें मिलेगा प्लस अप टू, अच्छा एन सी एन करें तो यहाँ से वन आता है, और जो एन है ये इसी तरीके से आ जाएगा, पी पावर एन आ जाएगा साथ में, क्यू पावर एन माइनस एन करें तो यहाँ से हो जाएगा जीरो, क्यू पावर जीरो आपके पास इक्वल होता है वन के, तो ये हमारे पास जो है तो इसकी इक्वल आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आप देखें तो हमारे पास जो है तो कॉमन इसमें है एन पी, यहाँ पे भी प्रेजेंट है एन पी, एन यहाँ पे भी है, ये देखें इधर भी एन मौजूद है, और साथ में पी स्क्वेयर मीन्स एक पी यहाँ से भी निकल सकता है, सिमिलरली यहाँ भी एन प्रेजेंट है, साथ में पी भी है, एन पी इधर भी है, तो इसका क्या मतलब कि मैं एन पी को बाहर कॉमन ले सकती हूँ, तो एन पी को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। एन
पी को हमने कॉमन ले ली ब्रैकेट के अंदर, जो एन पी को निकालने के बाद आपके पास ये टर्म आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे अगर गौर से देखें तो ये हमारे पास जो है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन बन रही है, ठीक है। ये देखें, क्यू पावर एन माइनस वन है, पी पावर एन माइनस वन अप टू, ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे पास ये इक्वल है एन पी जो बाय कॉमन है वो, ठीक है, और ब्रैकेट में हमारे पास आएगा क्यू प्लस पी, क्यू प्लस पी पावर, अब देखें तो इसकी पावर भी n माइनस वन है, स्टार्ट में पावर n माइनस टू, इसकी पावर आ जाएगी q प्लस p पावर n माइनस वन, ठीक है। अब हमें पता है कि ये हमारे पास इक्वल होता है वन के, ठीक है, q पावर ये यहाँ से होल ब्रैकेट, ये तमाम हमारे पास इक्वल होता है वन के, हमारे पास रिजल्ट है, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन को हम ओपन करते हैं तो यहाँ से हमारे पास वन की इक्वल आता है, तो रिमेनिंग क्या रह गया आप देखें, एन पी रह गया, इट मीन्स दैट म्यू इज इक्वल्स टू एन पी, प्रूफ हो गया, ठीक है। म्यू इज इक्वल्स टू एन पी यानी मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू एन पी। तो स्टूडेंट ये तो हो गया मीन, अब हमने करना है वेरियंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, वो इक्वल होगा एन पी क्यू के। तो स्टूडेंट्स सिग्मा स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमारे पास जो डिफिनेशन है वेरिएंस की वो क्या है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट अभी हमने प्रूफ किया है कि मीन ऑफ एक्स यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो हमारे पास है वो इक्वल आता है एन पी, यानी यहाँ पे इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा एन पी, एन पी चूंकि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमने फाइंड करना है वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर, तो स्टूडेंट उसके लिए हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर को स्प्लिट करना होगा। हम कैसे लिखेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर को, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर को आपने स्प्लिट करना है, ठीक है। अब एक स्क्वेयर की जगह आप देखें हमने क्या लिखना है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स, ठीक है। आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, बट एक्स स्क्वायर की जगह ये देखें ना, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई हो गई इस एक्स के साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स के साथ कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन हमने क्या करना है एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना है, तो इसलिए हमने उसको स्प्लिट किया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम ये एक्सपेक्टेशन जो है इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, तो स्टूडेंट हमारे पास क्या कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्स माइनस वन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अब यहाँ पे सेम अगेन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है तो यहाँ पे भी एन पी पुट करेंगे, यानी हमने सॉल्व क्या करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्स माइनस वन, जस्ट इसको सॉल्व करना है और फिर यहाँ पे इन दोनों की जगह रिजल्ट पुट करके इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ओके। तो स्टूडेंट्स अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्स माइनस वन को हम सॉल्व करेंगे तो हमने क्या करना है एक्सपेक्टेशन को ओपन करना है पहले, ठीक है, यानी समीशन लगेगा, समीशन एक्स एक्स माइनस वन एन सी एक्स पी पावर एक्स और इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है एन सी एक्स को जो है तो सॉल्व पहले उसको सॉल्व करना है, यानी एन सी एक्स को हम सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस एक्स फैक्टोरियल इंटू एक्स फैक्टोरियल, ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अब आपने इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, यानी n फैक्टोरियल को आप ओपन करें n n माइनस वन n माइनस टू फैक्टोरियल तक ओपन कर लें और n माइनस एक्स को इसी तरीके से रहने दे x फैक्टोरियल को ओपन कर लें, x फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आएगा x x माइनस वन x माइनस टू फैक्टोरियल। तो अब ये देखें स्टूडेंट x x माइनस वन एक जो है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में प्रेजेंट है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट ये पी स्क्वेयर और p पावर x माइनस टू जो है ये देखें, ये हमने क्या किया है p पावर x हमारे पास यहाँ पे है ना p पावर x, तो इस p पावर x में हमने 2 को माइनस और 2 को प्लस किया हुआ है, ठीक है, तो 2 को जो प्लस 2 है p पावर प्लस 2 वो हमारे पास ये हो गया और p पावर x माइनस 2 हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये हमने आगे सॉल्यूशन के लिए हमने इसको इस तरीके से स्प्लिट किया है, q पावर n माइनस x आ गया। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे n n माइनस 1 p स्क्वायर समीशन n माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस टू
फैक्टोरियल एन माइनस एक्स फैक्टोरियल पी पावर एक्स माइनस टू क्यू पावर एन माइनस एक्स आ गया। अब यहाँ से हमने सॉल्व कैसे करना है, तो आप देखें एन माइनस टू जो है वो अगर हम उसको एज अ एम ले लें, ठीक है, और एन माइनस एक्स जो है एन माइनस एक्स माइनस टू जो है ये हमारे पास एक्स माइनस टू है, ठीक है, ये एन माइनस टू नहीं है, एक्स माइनस टू जो है इसको हम एज अ वाई ले लें, तो आप देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन आएगी कि समीशन एम फैक्टोरियल वाई डिवाइडेड बाय वाई फैक्टोरियल एम माइनस वाई फैक्टोरियल पी पावर वाई क्यू पावर एम माइनस वाई। तो अब देखें यहाँ समीशन के अलावा ये हमारे पास है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बट इस पे चूंकि समीशन अप्लाई हो रहा है तो समीशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो होता है वो इक्वल होता है वन के, ठीक है, समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज आर इक्वल टू वन, तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम इक्वल होता है वन के। सो ये हमारे पास जो है तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया एन एन माइनस वन पी स्क्वेयर, ये हमारे पास इक्वल ये किस चीज की वैल्यू आ गई, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्स माइनस वन की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या क्या बनेगा जब हम ये तमाम वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास आएगा सिग्मा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्स माइनस वन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वेयर। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्स माइनस वन की जगह उसकी वैल्यू दैट इज एन एन माइनस वन सिग्मा पी पावर स्क्वेयर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू एन पी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वेयर जो है ये बनेगा एन स्क्वेयर पी पावर टू, ठीक है, एन पावर टू पी पावर टू आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में ये जो हमारे पास एन और पी स्क्वेयर बाहर है ब्रैकेट से इनको मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे पास बनेगा एन स्क्वेयर पी स्क्वेयर माइनस एन पी स्क्वेयर प्लस ये वाला एन पी माइनस एन पी स्क्वेयर। अब आप देखें प्लस एन पी स्क्वेयर एन स्क्वेयर पी स्क्वेयर है माइनस एन स्क्वेयर पी स्क्वेयर, तो ये आपस में कैंसल होके हमें क्या मिलेगा एन पी माइनस एन पी स्क्वेयर, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब आप इसमें से एन पी को कॉमन ले लें, एन पी को कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या रह गया अंदर वन माइनस पी, जो कि हमारे पास किस चीज की इक्वल है एन पी क्यू, वन माइनस पी हमारे पास इक्वल होता है क्यू के, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं एन पी क्यू। ये हमारे पास रिजल्ट है सिग्मा स्क्वेयर का, ठीक है, यानी वेरियंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें यानी सिग्मा की बात करें तो सेम यही रिजल्ट होगा, बट इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वेयर रूट, दैट इज एन स्क्वेयर रूट एन पी क्यू। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का और ये वेरिएंस है। हमने इसके अलावा हमने मीन भी फाइंड किया, मीन हमारे पास क्या आया मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू एन एंड पी। तो स्टूडेंट आज हम सेकंड प्रॉपर्टी करने वाले हैं दैट इज हायर मूवमेंट्स, कि हमारे पास हायर मूवमेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं, तो उनको हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट हमारे पास हायर मूवमेंट्स मूवमेंट्स की जब बात आती है तो हमारे पास फर्स्ट मूवमेंट क्या होते हैं, मूवमेंट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं जो पॉपुलेशन मूवमेंट होता है म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और जो सैंपल मूवमेंट होते हैं वो हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो मूवमेंट अबाउट ओरिजिन होते हैं वो म्यू आर प्राइम से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है, और वो इक्वल होते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पावर आर इसके इक्वल होते हैं। प्रीवियस वीडियो में अगर हम देखें वहां पे हमने मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कर चुके हैं, ठीक है, हमारे पास मीन क्या आया था मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन पी, वो हमारे पास इक्वल आया था एन पी के। और इसी तरीके से जो सेकेंड मीन ऑफ वेरियंस हम फाइंड कर रहे थे सॉरी वेरियंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम फाइंड कर रहे थे तो उसमें हमने एक टर्म फाइंड की थी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर और इसका रिजल्ट हमारे पास आया था एन एन माइनस वन पी स्क्वेयर प्लस एन पी, ठीक है, ये हमने जब वेरियंस हम कर रहे थे तो वहां पे हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर फाइंड किया था और उसका रिजल्ट हमारे पास ये आया था। तो स्टूडेंट अगर हम मूवमेंट अबाउट ओरिजिन ये देखिए ये हमारे पास है मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, तो मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन के फॉर्मूले में ये देखिए हमारे पास क्या है म्यू आर प्राइम इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पावर आर, यानी एक्स की जो पावर होगी वो यहाँ पे म्यू आर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पावर वन यहाँ पे कुछ नहीं, इट मींस दैट एक्स पावर वन है, तो यहाँ पे ये मेरे पास इक्वल हो सकता है ना म्यू वन प्राइम के,
by using the definition of moments about origin. Similarly, expectation of x power 2 मेरे पास equal आ गया mu 2 prime के, ठीक है, यानी mu 1 prime मुझे मिल गया, mu 2 prime मुझे मिल गया, जो हमने ये हम डिटेल के साथ कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे हम डिटेल पे नहीं जाते, हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहे हैं. तो mu 1 prime मिल गया, mu 2 prime मिल गया, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए mu 3 prime, ठीक है, mu 3 prime. तो mu 3 prime अब मैंने फाइंड करना है. तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास mu 3 prime हमारे पास जो है तो एक इक्वल होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x पावर 3. अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x पावर 3 को हमने कैसे डिवाइड करना है, बिल्कुल वही प्रोसीजर है जो हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ x पावर 2 के लिए किया था. वहां पे x स्क्वायर को हमने इक्वल दिया था x x माइनस 1 प्लस x, ठीक है, तो हमने वहां पे उसके इक्वल लिया था. अब यहाँ पे x पावर 3 है, तो अब देखें हम किसकी इक्वल ले रहे हैं, x पावर 3 को हमने इक्वल लिया है x x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस 3 x x माइनस 1 प्लस x, और जो एक्सपेक्टेशन, ये वाली एक्सपेक्टेशन है वो हमने अप्लाई कर दी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया. ना पहले तो स्टूडेंट ये देखे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, चूंकि हम फाइंड कर चुके एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमारे पास किस चीज की इक्वल है, एन पी के इक्वल है, ठीक है. सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्स माइनस वन भी हम जब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर कर रहे थे तो उसमें हमने अलग से फाइंड किया हुआ था, और वहां से हमारे पास रिजल्ट क्या आया था, एन एन माइनस वन पी स्क्वेयर. यानी यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करने की जरूरत है, जस्ट एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इनके एक्सपेक्टेशन फाइंड करने की जरूरत है, क्योंकि बाकी दो के रिजल्ट ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है. तो स्टूडेंट पहले हम इसके एक्सपेक्टेशन ओपन कैसे करेंगे, हमें पता है कि हमने एक्सपेक्टेशन कैसे ओपन करना होता है, पहले समीशन लगा के एंड देन जो हमारे पास वेरिएबल है, लाइक यहाँ पे वेरिएबल है एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, ठीक है, एज अ वेरिएबल हम इसको ले रहे हैं, तो ये कम्प्लीट एंड देन उसका पी डी एफ या उसकी प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटीज पी डी एफ में ही होती है हमारे पास. तो ये देखें एन सी एक्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स व्हाई उसका पी डी एफ एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स आ जाएगा. एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एन चूज एक्स, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने हम वेरियंस फाइंड कर रहे थे और वहां पे हमने एक्स एक्स माइनस वन एन सी एक्स को हमने फाइंड किया था. तो सेम उसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं. तो आप देखिए स्टूडेंट, x x माइनस वन x माइनस टू एन चूज x हमारे पास इक्वल आएगा x x माइनस वन x माइनस टू, और यहाँ पे हमने क्या किया है, जस्ट हमने इस जो हमारे पास n चूज x है ना, इसको हमने ओपन किया हुआ है. कैसे ओपन करना है, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस डिटेल के साथ कर चुके हैं, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोबारा हम समझ लेते हैं कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल होता है एंड n माइनस x फैक्टोरियल, ठीक है, हम n चूज x को कुछ इस तरीके से ओपन करते हैं. तो यहाँ पे जस्ट हमने क्या किया है, n फैक्टोरियल को ओपन किया हुआ है, n फैक्टोरियल को अप टू n माइनस 3 तक ओपन किया है, कि n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल, और x फैक्टोरियल को भी n x माइनस 3 तक ओपन किया है, बाकी ये n माइनस x उसी तरीके से आया हुआ है, ठीक है. हम जानते हैं फैक्टोरियल हम कैसे ओपन करते हैं, लाइक अगर हमारे पास है 3 फैक्टोरियल, तो इसका क्या मतलब होता है कि आपने 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, मतलब आपने प्रीवियस वीडियोस प्रीवियस जो उसके नंबर्स हैं उनके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, फैक्टोरियल का ये मतलब होता है, ठीक है. तो सेम यहाँ पे वही काम किया गया, हम प्रीवियस एन को उसकी प्रीवियस वैल्यू यानी एन माइनस वन के साथ एंड देन एन माइनस टू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, ठीक है. इसी तरीके से x x माइनस वन x माइनस टू x माइनस थ्री फैक्टोरियल तक हमने ओपन किया हुआ है. तो अब आप देखें x जो है वो x के साथ कैंसल हो गया, x माइनस वन के साथ x माइनस टू के साथ कैंसल हो गया, रह क्या गया हमारे पास n n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री फैक्टोरियल n माइनस थ्री फैक्टोरियल. तो स्टूडेंट जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में हमने इसको जो है तो फैक्टोरियल फॉर्म में लिखा था, तो आप देखें यहाँ से यहाँ तक अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास बन रहा है n माइनस थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री n माइनस x, यानी यहाँ पे अगर हम 3 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, माइनस थ्री प्लस थ्री, ये माइनस थ्री n माइनस थ्री लिख लें और माइनस ब्रैकेट में x माइनस थ्री लिखें, ठीक है, यानी इस तरीके से ये देखें n माइनस थ्री प्लस x माइनस थ्री, इस तरीके से अगर हम लिखें
इधर माइनस, ठीक है, माइनस एक्स माइनस थ्री, मतलब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस थ्री कन्वर्ट होकर कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमने क्यों किया, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब इसकी जगह हम लिख सकते हैं एन माइनस थ्री, एन माइनस थ्री चूज एक्स माइनस थ्री, ठीक है ना। इस फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं और साथ में ये लिख लें, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया x x माइनस वन x माइनस टू n n चूज x का। अब हम जस्ट ये रिजल्ट जो है तो इधर पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे पास एक और बात है, ये देखें यहाँ पे जो इक्वेशन है ना, इसमें समीशन में जो x की वैल्यूज है इट स्टार्ट फ्रॉम 0 टू n, ठीक है, 0 से n तक ये वैल्यूज ले रहा है। बट यहाँ पे देखे तो हमने x की तीन वैल्यूज काट दी हैं, ठीक है, x x माइनस वन x माइनस टू डिवीजन के साथ कट गई हैं, तीन वैल्यूज x की कट गई। इट मींस दैट x अब यहाँ पे जो है तो इस इक्वेशन में समीशन की जो वैल्यूज होंगी वो अब हमारे पास x इज इक्वल टू जीरो की बजाय x इज इक्वल टू थ्री है, जीरो वन टू कट गई है, ठीक है, तीन वैल्यूज कट गई है x इज इक्वल टू थ्री अप टू n, ठीक है, वो हमारे पास इस तरीके से आएगी। और यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं ये वाली, ठीक है, कि हमारे पास क्या है n n माइनस वन n माइनस टू, इसकी जगह वैल्यूज लिख ली, ठीक है। और यहाँ पे देखिए p पावर x है ना, तो p पावर x, अब x जो है x में से p पावर x माइनस वन माइनस थ्री, ठीक है, p पावर x माइनस थ्री आ जाएगा। सिमिलरली q के लिए भी आप करें तो q n माइनस थ्री हो जाएंगी, n माइनस थ्री माइनस x माइनस थ्री, वो माइनस मल्टीप्लाई होके वो प्लस थ्री। सेम ये जो हमारे पास ये देखें ये वाला प्रोसीजर यहाँ पे आएगा कि n माइनस थ्री माइनस x माइनस थ्री, अब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये थ्री इस थ्री के साथ ये प्लस में होके थ्री के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेम आपके पास आएगा n माइनस x, ठीक है, ये टर्म रह जाएगा। तो अब आप देखें हमारे पास क्या है, n माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री, और पावर भी x माइनस थ्री n माइनस थ्री माइनस x प्लस थ्री, ठीक है ना। तो यानी ये हमारे पास अगर यहाँ पे मैं n माइनस थ्री को, n माइनस थ्री को एज अ m और x माइनस थ्री को एज अ y ले लूँ तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये देखें, बाकी ये सेम इसी तरीके से अगर हम उठा रहे हैं, ठीक है, तो और यहाँ पे समीशन लगेगा, ये वाला समीशन हम यहाँ पे और ये तमाम वैल्यूज यहाँ पे उतारे, तो ये देखिए हमारे पास बनेगा n माइनस थ्री की जगह मैं m ले रही हूँ, x माइनस थ्री की जगह मैं y ले रही हूँ, ठीक है, m चूज y, और यहाँ पे आएगा p p पावर x माइनस थ्री है, x माइनस थ्री मीन्स y, और q पावर आएगा, ये देखिए अगर हम ये n माइनस थ्री और माइनस एक्स माइनस थ्री इनको कैंसल ना कर इसी तरीके से लिखें तो ये देखें n माइनस थ्री जो है ये वाला n माइनस थ्री ये मेरे पास बन जाएगा m माइनस एक्स माइनस थ्री की जगह आ जाएगा y, m माइनस y। अब ये देखिए ये मेरे पास बन रहा है सेम जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। और हम जानते हैं समीशन किसी भी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हो आप तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम करें तो वो इक्वल होता है वन के। ये मेरे पास इक्वल हो गया वन के, रिजल्ट क्या रह गया, अच्छा ये मेरे पास वैल्यू आई है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू की, ठीक है, ये अब हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पावर थ्री मीन्स म्यू थ्री प्राइम, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, अभी हमने इसकी वैल्यू फाइंड की, हमारे पास क्या आई है एन प्लस थ्री एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्स माइनस वन। अब थ्री तो सेम ये फार्मूले वाला आ जाएगा, ठीक है, जो हमने एक्स को स्प्लिट किया कुछ इस तरीके से वो वाला थ्री आ गया, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्स माइनस वन की जगह उसकी वैल्यू दैट इज एन एन माइनस वन पी पी स्क्वेयर, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इसके साथ पी पावर थ्री है, ये देखें जब हम करेंगे पी पावर एक्स माइनस थ्री तो वो माइनस थ्री प्लस थ्री, हम थ्री को एक्स के साथ एड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो माइनस थ्री तो फार्मूले में कन्वर्ट हो गया बट प्लस थ्री हमारे पास यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आई है, म्यू पावर म्यू थ्री प्राइम की वैल्यू इक्वेशन बन गया है, ठीक है, म्यू पावर थ्री म्यू थ्री प्राइम का इक्वेशन हमारे पास आ गया है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास आता है म्यू फोर प्राइम,
तो मी फोर प्राइम भी स्टूडेंट सेम इसी तरीके से हमने फाइंड करना है। पहले हमने हमारे पास ये इक्वल किस चीज के होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पावर फोर, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पावर फोर की इक्वल होता है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पावर फोर को हम स्प्लिट कुछ इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास क्या आएगा, एक्स पावर फोर की जगह आएगा एक्स एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, प्लस सिक्स एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, प्लस सेवन एक्स, एक्स माइनस वन, प्लस एक्स, कुछ इस तरीके से हमने स्प्लिट कर देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम डायरेक्ट जो है तो रिजल्ट यूज करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है अभी हमने फाइंड किया है इसके एक्सपेक्टेशन के, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू हमारे पास इक्वल था एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, पी पावर थ्री के, और ये हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। इसका एक्सपेक्टेशन हमारे पास आता है एन एन माइनस वन पी स्क्वायर, और एक्स का एक्सपेक्टेशन आता है एन पी। तो यहाँ पे जस्ट इसका एक्सपेक्टेशन इसी तरीके से जैसे अभी हमने इसका फाइंड किया है, जस्ट यहाँ पे एक्स माइनस थ्री का इजाफा हुआ है, ठीक है। तो कटिंग के दौरान आपके पास x माइनस थ्री, यानी आपने फैक्टोरियल जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा x माइनस फोर तक आप ओपन करेंगे, ठीक है। तो वो सेम उसी तरीके से जो है तो n माइनस फोर सी x माइनस फोर में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपके पास क्या आएगा, साथ में आपके पास आएगा n n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री। तो वहां से आप जब उसको पुट करेंगे फार्मूले में तो वहां पे आपके पास आप p पावर x जो है वहां पे प्लस फोर माइनस फोर करेंगे, तो पी एक्स पी पावर x माइनस फोर आपके पास फार्मूले में बंद हो के p पावर फोर जो प्लस फोर है वो आपके पास यहाँ पे इसकी जगह ये आ गया है वो, ठीक है। तो सेम वही तरीका जो अभी हमने इसमें अप्लाई किया था, सेम वही प्रोसीजर आप जारी रखें तो आपके पास ये रिजल्ट जो है तो वो आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे टाइम जो है तो कम है इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट हमने रिजल्ट यूज किया है। अगर आपको जो ये सॉल्व करते हुए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं इसके लिए फिर दोबारा से जो है तो डिटेल के साथ करवा दूंगी, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए हमारे पास जो ये तो हो गए प्राइम, ठीक है, म्यू फोर प्राइम हो गया, म्यू थ्री प्राइम, म्यू वन प्राइम, म्यू टू प्राइम, फोर मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। अब हमने फाइंड करने हैं मूवमेंट्स अबाउट मीन। स्टूडेंट्स म्यू वन प्राइम, म्यू वन जो है मूवमेंट अबाउट मीन हमारे पास होता है वो होता है म्यू वन प्राइम माइनस म्यू वन प्राइम। अगर हम मूवमेंट अबाउट ओरिजिन के थ्रू उनको फाइंड करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला ये है हमारे पास, और तो आप म्यू वन प्राइम म्यू वन माइनस म्यू वन प्राइम करें तो आपके पास आएगा जीरो। सिमिलरली म्यू टू प्राइम का फॉर्मूला है, सॉरी ये म्यू टू है, ठीक है, ये प्राइम नहीं है, म्यू टू सेंट्रल मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। म्यू टू का फॉर्मूला हमारे पास है म्यू टू प्राइम माइनस म्यू वन प्राइम स्क्वेयर, तो उसको आप सॉल्व करें आपके पास रिजल्ट आता है एन पी क्यू, हम कल कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे थर्ड मोमेंट को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है ना स्टूडेंट, ये देखिए म्यू थ्री प्राइम माइनस थ्री म्यू वन प्राइम म्यू टू प्राइम प्लस टू म्यू वन प्राइम पावर थ्री। इसमें आप जो अभी हमने फाइंड किए म्यू थ्री प्राइम और म्यू वन प्राइम की वैल्यू, म्यू टू प्राइम की वैल्यू, वो तमाम वैल्यूज इसमें हम पुट करें मल्टीप्लाई एंड देन कैंसिल जो भी हो रहा है, तमाम कैलकुलेशन करने के बाद एट द लास्ट जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो हमारे पास है एन पी क्यू, एन पी क्यू Q माइनस पी, ठीक है। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसके अंदर वो कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास रिजल्ट जो है तो वो ये आएगा। ओके नाउ म्यू फोर आपके पास जो फार्मूला है वो है म्यू फोर प्राइम माइनस फोर म्यू वन प्राइम म्यू थ्री प्राइम प्लस सिक्स म्यू वन प्राइम स्क्वेयर म्यू थ्री प्राइम माइनस म्यू माइनस थ्री, ये म्यू टू प्राइम है, म्यू टू प्राइम माइनस थ्री म्यू वन प्राइम पावर फोर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद जो कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास रिजल्ट जो आता है वो है, तो वो स्टूडेंट हमारे पास है कि थ्री एन स्क्वेयर पी पावर टू क्यू पावर टू प्लस थ्री एन पी क्यू वन माइनस सिक्स पी क्यू, ये हमारे पास है म्यू फोर, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आज हमने पढ़े हायर मोमेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आज स्टूडेंट्स हम मोमेंट्स रेशियो को डिस्कस करेंगे और साथ में जो है तो शेप ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास थर्ड और लास्ट प्रॉपर्टी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो स्टूडेंट्स मोमेंट्स रेशियो हमारे पास क्या होते हैं, हम बीटा वन और बीटा टू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मोमेंट्स रेशियो को, बट यहाँ पे हम बाइनोमियल के लिए हम उनको फाइंड करेंगे, ठीक है।
फर्स्ट बीटा वन हमारे पास क्या होता है, जैसे कि बीटा वन जो है वो हम यूज करते हैं स्क्यूनिस को मेयर करने के लिए, ठीक है, और सिमिलरली बीटा टू जो है वो कर्टासिस को मेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। बट बीटा वन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बीटा वन इक्वल होता है हमारे पास ये, देखें ये हमारे पास है बीटा वन का फॉर्मूला म्यू थ्री स्क्वेयर डिवाइडेड बाय म्यू टू पावर थ्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम म्यू थ्री की वैल्यू और म्यू टू की वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था म्यू थ्री क्या होता है, बाइनोमियल का म्यू टू क्या होता है, तो वो रिजल्ट हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। म्यू थ्री हमारे पास इक्वल है म्यूथ्री हमारे पास इक्वल है एन पी क्यू क्यू माइनस पी, ठीक है, क्योंकि इसका होल स्क्वेयर यहाँ पे हमने लिया है, सो होल स्क्वेयर लिख लेंगे डिवाइडेड बाय म्यू टू, म्यू टू की वैल्यू हमारे पास क्या है एन पी क्यू एंड होल पावर थ्री, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें एन पी क्यू, एन पी क्यू होल पावर टू है हमारे पास, तो ये टू पावर हम इसको भी अलग से दे देते हैं। अब आप देखें ये हमारे पास है एन पी क्यू स्क्वेयर, ठीक है, और ये है एन पी क्यू पावर थ्री। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये स्क्वेयर जो है थ्री के साथ कैंसिल होके, ये देखें यहाँ से कैंसिल होके यहाँ पे सिर्फ एक दफा जो है तो एन पी क्यू रह जाएगा, यानी क्यू माइनस पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन पी क्यू। बीटा वन की ये देखें हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इसको कैंसिल करें तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा क्यू माइनस पी। अच्छा स्टूडेंट अब यहाँ पे देखें तो इस क्यू की जगह हम लिख सकते हैं ना वन माइनस पी, क्यू हमारे पास इक्वल होता है वन माइनस पी के, तो इसकी जगह हमने वन माइनस पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन पी। अब यहाँ पे 1 माइनस पी माइनस पी माइनस पी करें तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस टू पी, ठीक है। तो ये हमारे पास है बीटा 1 की वैल्यू आ गई है, ठीक है, ये बीटा 1 की वैल्यू का रिजल्ट ये देखें हमारे पास क्या है 1 माइनस टू पी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन पी क्यू। अब स्टूडेंट हमने करना है बीटा 2, बीटा 2 के हमारे पास क्या है, बीटा टू का फॉर्मूला देखें तो हमारे पास है म्यू फोर डिवाइडेड बाय म्यू टू पावर टू। म्यू फोर की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं, म्यू फोर की वैल्यू हमारे पास आई थी थ्री एन स्क्वेयर ये हमारे पास म्यू फोर की वैल्यू है और ये हमारे पास म्यू टू एंड म्यू टू का स्क्वेयर किया है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, अब देखें पहले इसका जो है तो थ्री एन स्क्वेयर पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन स्क्वेयर पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर हम करेंगे तो ये देखिए ये इसके साथ कैंसिल होकर ओनली थ्री रह जाएगा, ठीक है, प्लस और यहाँ पे एन पी क्यू जो है तो आप यहाँ पे इस ये डिवीजन एन स्क्वेयर पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर इसके साथ अलग से हम डिवाइड करें तो ये एन पी क्यू के साथ कैंसिल होके हमारे पास रह जाएगा वन माइनस सिक्स पी क्यू डिवाइडेड बाय एन पी क्यू, क्योंकि वो एक दफा एन पी क्यू ऊपर वाले एन पी क्यू के साथ कैंसिल हो चुका है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास है बीटा टू का रिजल्ट, ये बीटा टू हो गया और बीटा वन हमने किया है, ये देखें बीटा वन का की वैल्यू हमारे पास ये आई है। अच्छा स्टूडेंट अब कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे आएगा, कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस तो वो देखें
कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस सिंपली हमारे पास क्या होता है कि जो ये यहाँ पे हम स्क्वेयर रूट ले लें तो ये हमारे पास कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस कहलाएगा। ये स्क्वेयर इसके साथ कैंसिल होके सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये स्क्वेयर रूट आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पे स्क्वेयर रूट नहीं होगा। ये हमारे पास हो जाएगा 1 - 2p डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट एन पी क्यू, ये हमारे पास होगा कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारे पास है शेप ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट इसमें हम क्या कहते हैं कि द शेप ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ टू पैरामीटर्स पी एंड एन। हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर कौन कौन से हम डिस्कस भी हमने किया हुआ था, एन और पी जो है ये हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हैं। तो जो शेप ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इट टोटली डिपेंड ऑन पी एंड एन, दीज पैरामीटर, इन पैरामीटर पे वो डिपेंड करती है। इसके अलावा हम क्या कहते हैं कि व्हेन पी इज लेस देन 1/2, अगर पी की वैल्यू हमारे पास लेस देन 1/2 आ जाए तो हमारे पास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होती है पॉजिटिवली, और अगर पी की वैल्यू हमारे पास आ जाए लेस देन ग्रेटर देन 1/2 आ जाए ग्रेटर देन, तो वो हमारे पास होती है नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है, वो नेगेटिवली स्क्यूड हो जाती है। और अगर हमारे पास क्या है पी की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू हो, P is not equal to Q हो, तो it means that के जो distribution है वो हमारे पास क्या है, वो skewed distribution है। और students अगर हमारे पास P की value जो है तो वो हमारे पास क्या हो, equal हो जाए 1/2 के, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो distribution है ना it वो हमारे पास जो है तो वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल हमने सिमेट्रिकल को डिस्कस किया हुआ था, हमारे पास सिमेट्रिकल कौन से डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जिन जो हमारे पास बेल शेप्ड होते हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो कहलाए। अच्छा इसके अलावा हमारे पास जो है तो अगर जो हमारे पास एन जो है इनको आप बढ़ा दे, इनको आप इंक्रीज कर दे, कितना इंक्रीज करें अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है, एन ट्रायल जो है वो इन्फिनिटी तक चले जाए, तो इसका इससे क्या होगा, जो बीटा वन होगा, बीटा वन यानी फर्स्ट रेशो जो है वो हमारे पास इट टेंड्स टू बी जीरो, बीटा वन हमारे पास जीरो, और जो बीटा टू है वो हमारे पास हो जाएगा, बीटा टू हमारे पास इक्वल आएगा 3 के, ठीक है। हेंस द लार्ज Hence for large n the binomial probability distribution is always symmetrical and mesocartic. तो इस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास सिमेट्रिकल है और मेजोकार्टिक, हम मेजोकार्टिक सिमेट्रिकल हम डिस्कस हम कर चुके हैं, ठीक है, ये हमारे पास सेम यहाँ पे भी सिमेट्रिकल होगा। अगर आप एन ट्रायल्स को इन्फिनिटी तक ले जाए, उनको इंक्रीज कर ले अप टू इन्फिनिटी, देन बीटा वन टेंड्स टू जीरो एंड बीटा थ्री टेंड्स बीटा टू टेंड्स टू थ्री, और इस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और मेजोकार्टिक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।